दुनिया के सबसे बड़े बैंक कहाँ हैं? आप कहेंगे अमेरिका, चीन, यूरोप। बात भी सही है, बड़े बैंकों की बात करें तो यही नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन इस गिनती में अब भारत का नाम भी आएगा। जी हाँ, दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकों में अब भारत का एक बैंक शामिल होने जा रहा है। अमेरिका और चीन को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये कौन सा बैंक है, पूरी खबर, पूरी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकों में अब भारत का HDFC बैंक मर्जर के बाद बना बैंक शामिल होगा। HDFC बैंक मर्जर 1 जुलाई यानी आज से लागू हो जाएगा। इस तरह 1 जुलाई से ये भारतीय बैंक दुनिया के सबसे मूल्यवान यानी वैल्यूड बैंकों में शुमार होगा। HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के मर्जर से जो बैंक बना है वो बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इससे बड़े बैंक JP Morgan, चेस एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार इस नई HDFC बैंक की वैल्यूएशन 172 अरब डॉलर होगी। दुनिया के सबसे बड़े बैंक JP Morgan की वैल्यूएशन 416.5 अरब डॉलर है। इसके बाद ICBC की 228.3 अरब डॉलर और बैंक ऑफ अमेरिका की 227.7 अरब डॉलर है। मर्जर वाले नए HDFC बैंक के करीब 12 करोड़ ग्राहक होंगे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि ये जर्मनी की जनसंख्या से भी ज्यादा है। मर्जर से बैंक का ब्रांच नेटवर्क 8,300 से ज्यादा तक बढ़ जाएगा। साथ ही कुल कर्मचारी की संख्या 1,77,000 से ज्यादा हो जाएगी। HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद कंपनी मार्केट कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। बता दें, संयुक्त कंपनी के शेयर 17 जुलाई से ट्रेड होंगे। 13 जुलाई से HDFC के शेयर की डीलिस्टिंग इफेक्टिव हो जाएगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर इस दिन से स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएंगे। इस मर्जर के जरिए HDFC को HDFC बैंक में 41% हिस्सेदारी मिलेगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।